মুখ্যমন্ত্রীর নাম বলো। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী হেমন্ত সরেন, মুখ্যমন্ত্রীর নাম বলো। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী चौंक गए ना? जी हाँ, रामगढ़ के स्कूल के इन बच्चों की माने तो झारखंड के सीएम अमित शाह हैं। यकीन ना हो तो एक बार फिर से सुनिए सवाल और बच्चों के जवाब। झारखंड के शिक्षा मंत्री नाम बताओ। शिक्षा मंत्री नाम बताओ। नाम बताओ। झारखंड के शिक्षा मंत्री नाम बताओ। झारखंड के शिक्षा मंत्री नाम बताओ। अभी जवाब पूरा ही हुआ था कि एक और सवाल बच्चों से पूछ लिया गया और पूछने वाले थे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री को लगा कि हो सकता है कि बच्चों को सीएम के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन झारखंड के शिक्षा मंत्री के बारे में तो जरूर ये बच्चे जानते होंगे, लिहाजा पूछा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। और जो बच्चों ने जवाब दिया उसे सुनकर झारखंड के शिक्षा मंत्री हक्के बक्के रह गए। शिक्षा मंत्री बोले तो बच्चा थोड़ा नहीं जवाब देने सके, तो खुद वो अपने बोल दे कि मैं ही शिक्षा मंत्री बना हुआ, पर पहले का शिक्षा मंत्री का नाम बता दिया गया था। गिरिडीह से रांची जाने के रास्ते में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गोला प्रखंड के स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। मध्य विद्यालय में पढ़ाई की ऐसी दुर्दशा देखकर शिक्षा मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। बच्चों के बाद अब शिक्षकों की बारी थी। शिक्षकों से मंत्री जी ने बीएससी के बारे में पूछ लिया तो कोई भी शिक्षक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद तो मंत्री जी का पारा गर्म हो गया और सरेआम शिक्षकों को जमकर फटकार लगा डाली। सरकारी स्कूल में शिक्षा की ही नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर का भी हाल जर्जर है। इमारतें जंग खा रही हैं, छत कभी भी गिरने को बेताब है, स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन शिक्षा मंत्री की औचक निरीक्षण के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। ऑडिट करने पहुंची टीम ने स्कूल में कई खामियां पाई। उम्मीद है सरकारी स्कूलों की बजबजती शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और सोरेन सरकार के राज में झारखंड के सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आ सकेंगे। झूलन अग्रवाल, रामगढ़, आज तक।